Why Astro work like a family. अब वक्त मुझे ताखीर से मिला, वरना मेरा इरादा ये था कि मैं आज के इस इज्तिमा को हॉलैंड के कुत्तों के सामने रखूं। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूं, खा जाए बता की हिम्मत कर, खुदा शाहिद है, जाने मेरा ईमान हो नहीं सकता। मादर पिदर आजाद मुआशरे की नाजायज औलाद, तुम में ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरे आका के बारे में बात कर सको? ये मुस्लिम कौम जाग रही है, इनका खून मुहम्मदी है, हमारे खून में मुस्लिम खून यूं जिस्मों में दौड़ता है जैसे जिस्म में रूह दौड़ती है। तन मन धन लुटा देंगे, नामों से रिसालत पे आज नहीं आने दें। गुलाम है हम हुजूर के। गुलाम है असली सुन्नी बुलंदरा से बोलिए, गुलाम है गुलामी रसूल में। अजब जुमला है, अलग जुमला है कि हम हुजूर के गुलाम। स्टेज वालों, मैं बड़ी मोहब्बत से और मेरे पसंदीदा आरफी साहब, हमारी छोटी सी दावत पर ये जो हुजूर के गुलाम तशरीफ लाए हैं, मेरे बस में होता मैं आपके कदमों के नीचे पल के बिछाता। यहां पर शेखुल हदीस भी है, तालबिल भी है, अफीसर भी है, मजदूर भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, हर तबका का लोग अपनी अपनी जगहों पर बड़े बड़े औहदों पर फाइज हैं, बड़े बड़े मनसब हैं। यहां क्या नाता है जो मिलके बैठे हैं, क्या रिश्ता है कि अमीर ज्यादा गरीब के साथ बैठा है। यूरोप के तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती कि ये रिश्ता क्या है। सुनो, ये मोहम्मद के गुलाम है, ये हुजूर की गुलामी है। जान लुटाना क्या होता है, थोड़ा समय साथ जाइएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत वक्त हो गया, मैं बहुत शुक्रगुजार आपका। गुलाम लोग आजादी की जानिब दौड़ते हैं, लोग
और अजब जुमला नहीं के गुलाम है। दौड़ते हैं आजादी की जानिब और वो हैरान है हमसे तो आजादी चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा है जिसकी गुलामी में फख्र करते हैं। वजह क्या है? बस मेरा ये जुमला है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, ये जुमला है सिर्फ आपके सामने। वो वजह क्या है? इसलिए मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और अल्लाह करे मेरी आवाज हुक्काम वाला तक पहुंचे। हमें हुजूर की गुलामी में इज्जत मिलती है, हमें हुजूर की गुलामी में अजमत मिलती है, हमें हुजूर की गुलामी में अजीमत मिलती है, हमें हुजूर की गुलामी में राहत मिलती है, जन्नत मिलती है। सुकून कैसा? सियासी लीडर बिठा के दिखाए इस वक्त तक मजमे सुकून कैसा है? तवज्जो, सुकून कैसा है? तवज्जो, पूछिए ज़ैद बिन हारिसा से। बिकता भी काता पहुंचा हुजूर के पास, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, बिकता भी काता है। वालदैन ढूंढते रहे साल हर साल, आए और जब पता चला कि मुसलमानों के नबी के पास है तुम्हारा बेटा, अब सोचते हैं बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ना मालूम हमें वापस कैसे भी देगा। आए और आके कहते हैं हमने सुना है हमारा बेटा आपके पास है, हमसे कोई लंबी जोड़ी कीमत ना मांगिए का, बस वो वैसे तलब करें जो आपने दिए थे, बेटा हमें दे दे। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ज़ैद लब्बैक या रसूल अल्लाह, इधर आओ, जानते हो इन्हें? जी जानता हूँ, चचा है, बाबा है, फला रिश्तेदार है। प्यारे आका फरमाते हैं जाना चाहते हो चले जाओ, कोई पैसा नहीं लेता। ज़ैद तरफ के कहता है या रसूल अल्लाह नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाप कहते हैं बेटा तुझे क्या हो गया? वहाँ तेरा घर है, यहाँ तेरा घर नहीं। वहाँ तेरा वतन है, यहाँ तेरा वतन नहीं। वहाँ तेरा शहर है, यहाँ तेरा शहर नहीं। वो तेरे भाई हैं, ये तेरे भाई नहीं। वहाँ तेरी माँ है, यहाँ तेरी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, वहाँ तू आजाद है, यहाँ तू गुलाम है। वहाँ आजाद है, यहाँ गुलाम है। ज़ैद कहते हैं बाबा जाना चाहते हो चले जाओ। ज़ैद को जो सुकून मोहम्मद की गुलामी में मिला, तेरे घर की आजादी में नहीं मिला। गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा, दोनों हाथ उठाते कहे ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सब कुछ कर सकते हो, इस कौम के दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकते और हम हर जुर्म बर्दाश्त कर सकते हैं इंशाअल्लाह, हम हर साका बर्दाश्त कर सकते हैं। खत्म नबूवत के आईन में तरमीम नहीं होने देंगे, नामूस रिसालत के आईन पर कोई समझौता नहीं। हम तो जिंदा ही हुजूर के लिए हैं। और सुनिए, मैं चल गया वो काम देने से कुछ आए अब अबीरों से ले लेता वो अब अबीरों से ले लेता बेशक मंगोलों ने जब कब्जा किया मुस्लिम दुनिया पर, तारीख दान जानते हैं, पहले ही जानते हैं, अजब गुरनाता तबाह हो रहा था, बगदाद चल रहा था, मुस्लिम लाइब्रेरियां दरियाए गदला में बह रही थी, मुस्लिम दुनिया पे उन्होंने कब्जा किया। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया, उसने बहुत बड़ा इश्तिहार रखा,
خدا را یہ میرے لفظ ضائع نہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی علم الدین کے ماننے والے ہو۔ وہ جس نے جیل کی کوٹھری میں کہا تھا میں ان سے مخاطب ہوں، وہ غازی علم الدین جسے کہا گیا کہ تو صرف اتنا کہہ دے جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، غازی تڑپ کے کہتا ہے ارے یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا۔ توجہ میرے آدمی کی طرف سے آخر جملے ہیں، قبضہ ہو گیا عیسائی پادری، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ، عیسائی پادری بیان کرنے چلا، گفتگو کا آغاز شروع کیا، ہزاروں کا اجتماع، اس بھرے مجمع میں حضور کا کوئی غلام نہیں تھا، اس نے جب حضور کی توحید کی سٹیج کے قریب سیکورٹی پر بلا ہوا کتا بولا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کتے کو بھونکنا کہوں۔ بولا بولا، لوگوں نے کہا تو نے توہین کی اس وجہ سے بولا ہے، اس نے کہا نہیں یہ غیرت مند ہے، میں نے جب اشارہ کیا تو یہ اشارے کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ مجھے، لوگوں نے پھر اسے کہا کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ اس نے اگلی دفعہ پھر گستاخی کی، وہ کتا ابن حجر لکھتے ہیں، ابن حجر نے لکھا ہے وہ کتا رسے توڑا توڑ کر بھاگا اور اس کے شارک پہ جا کے اپنے دانت گاڑ دیے، اپنا بنیا اس کے سینے پہ گاڑ دیا، چھوڑا جب اسے جہنم کو جاتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کاش ہم اس کتے کے پنجے ہی بن جائیں، وہ جو گستاخ رسول کو نہیں چھوڑتا، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ آئے گا خواہ کی حرمت پر۔ ارے تُس آپ حضور کا نام کیسے بھی جا سکتے ہو جس نام کو میرے رب نے بلند کر دیا ہے، روح شمس قدر محمد، مدلود بام و قر محمد، راہدار اخبر محمد، راہبر بہر بر محمد، مطف شیری اثر محمد، like us on Facebook, contact us on WhatsApp, subscribe our YouTube channel and watch our videos.